हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ पाठक स्नेह गुरुकुल। अच्छा, हम लोग ना जो सीरीज चालू किए हैं उसमें बात कर रहा था, पिछले एक सीरीज में मैं एजुकेशन की बात कर रहा था कि क्या होता है ट्रू एजुकेशन, है ना। तो जब ट्रू एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले कि जो नॉलेज आपको मिलेगी, एक चीज़ ना इसको आप बहुत दिमाग में कहीं पर रख लीजिए और ये बहुत क्लियर है, इसके अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको जो नॉलेज मिलेगा, नॉलेज जो है आपको दो चीज़ से मिलता है। एक तो होता है आपका ऑब्जर्वेशन से, बड़ा कोई टीचर नहीं है। खैर, ऑब्जर्वेशन पे और कैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू नॉलेज मिलता है इस पर मैं अलग वीडियो में बात करूँगा। फिलहाल मेरा फोकस है कि आपका सेल्फ स्टडी। आपको देखिए कितने अच्छे टीचर से आप पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बुक से पढ़ रहे हैं। आपको ना ही बुक से नॉलेज मिलता है, ना ही आपको क्या बोलते हैं किसी टीचर के पढ़ाने से नॉलेज मिलता है, ना ही किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ने से मिलता है। ऑफकोर्स ये एक मीडियम है, ये एक जरिया है जिसके थ्रू आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलता है वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही मिलता है। तो नॉलेज आपको किससे मिलेगा? सेल्फ स्टडी से। तो मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब मान लीजिए कि इस पर और डिटेल में मैं बात करूंगा किसी और वीडियो के, सेल्फ स्टडी एग्जैक्टली कैसे करना है आज थोड़ा ब्रीफली करूंगा और सेल्फ स्टडी पे मेरा फोकस है क्यों। अगर मान लीजिए सपोज कि आपका पूरे दिन का शेड्यूल है और आप स्कूल गए या कॉलेज गए, जो भी आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या जो भी है, आप स्कूल गए या कॉलेज गए, ठीक है, उसके बाद आप आए, आप कोचिंग क्लासेस लेते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, उसके बाद आप स्कूल का होमवर्क करते हैं, ट्यूशन का होमवर्क करते हैं, जो भी करते हैं, और फिर अगर आप बिना कोई सेल्फ स्टडी के एक घंटा दो घंटा या तीन घंटा जो भी बिना सेल्फ स्टडी के आप सो जाते हैं और डेली का आपका यही शेड्यूल है, मैं बोलूँगा बहुत ही गलत शेड्यूल है। आपको अगर आप जो कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज से आज पढ़ के आए, स्कूल से पढ़ के आए और आपने जो पढ़ा उसको अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आप ट्यूशन से पढ़ के आए उसको आपने रिवाइज नहीं किया, तो आपका स्कूल जाना, आपका समय, आपके जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं, उनका समय और आपके पेरेंट्स का पैसा, तीनों बर्बाद गया, तीनों पानी में चला जाना, बोलते हैं ना बर्बाद हो जाना, एकदम मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलता हूँ, तीनों बर्बाद है, उसका कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद भी आप क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज और ट्यूशन से आने के बाद आप एक अलग जो है पर्सनलाइज क्लास या कोचिंग क्लास या ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और उसका भी आप रिवाइज नहीं कर पाते, कोचिंग गए एक घंटा चले गए, पढ़ के आ गए और घर पर बैठ गए, इससे नहीं होगा। आप जब तक आप उतना ही पढ़ाई करो, आप उतनी ही क्लासेस अटेंड करो, आप ट्यूशन क्लास या एक्स्ट्रा क्लास तभी लो जब आपको लगे कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो आपका दिन भर का कोई भी शेड्यूल हो, मैं चाहूँगा कि उसमें दो या तीन घंटे का आपका सेल्फ स्टडी का शेड्यूल जरूर होना चाहिए। लेकिन अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि सेल्फ स्टडी करते कैसे हैं, तो सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको देखूंगा। बाकी मैं ज़रूर चाहूंगा कि आप लोग बताइए कि किस टॉपिक पे बनाना चाहिए वीडियो, ठीक है। एक तो सेल्फ स्टडी पे अलग से वीडियो होगी कैसे करते हैं, दूसरा आपका वीडियो होगा किस पे, जो आपका जो ऑब्जर्वेशन का मैंने बताया उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ लूँगा, उसमें करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलता है अगले वीडियो में।